नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कबूतरों को सरसों का दाना कैसे खिलाएं और सरसों के दाने के फायदे। भाइयों, कबूतरबाजी में सरसों के दाने के बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सरसों के दाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। जैसे कि ये कबूतर की बीमारियों में काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक तत्व होता है। जैसे कि आपका गार्लिक, जिसे आप लहसुन कहते हैं, वे भी एक एंटीबायोटिक है। और जैसे आप ये करते हैं उसे हल्दी, ये भी एक एंटीबायोटिक है। इसी की तरह अपना सरसों भी एक एंटीबायोटिक है। भाइयों, सरसों कबूतरों को खिलाने से कैंसर, जिसे आप कैंसर कहते हैं, कंकर, जहरवाद जैसी बीमारियों को से छुटकारा पाता है कबूतर। और गला ख़राब हो जाना, सर्दी लग जाना, गला पक जाना, ऐसी कई बीमारी हैं जिससे कबूतर के सरसों खिलाने से नहीं लगती, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक होता है। कोई भी अगर वायरस आपके कबूतरों को आने बीमार करने वाला आने वाला होता है, तो ये उसे वहीं से ही भगा देता है। और साथ में ये कबूतर का खून को साफ करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के टाइम में कबूतर करीज में होते हैं और अपने पंख ये निकालते हैं। जब कबूतर पंख निकालते हैं तो उस समय कबूतरों में काफ़ी खून की मात्रा की कमी हो जाती है, तो सरसों खिल और उन्हें पंख निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सरसों देने से क्या होता है, ये सरसों की तस्वीर गर्म और तर होती है, यानी कि आयली होती है। सरसों देने से कबूतरों में पंख लाने में बहुत आसानी और उन्हें मदद मिलती है, क्योंकि ये आयली चीज़ है। इससे उनके पंख बहुत ही रेशमदार, मुलायम और सुंदर निकलते हैं। सरसों एक ऐसा तत्व है जिससे कबूतर को देने से उनके हाजमा बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है और कबूतर कभी भी खुश्की में नहीं आता। कबूतर खुश्की में जब आता है तो कबूतर धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता है, अपना जिस्म कम कर देता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। वो क्या करता है, धीरे धीरे सोके में आ जाता है। यही कारण होता है कबूतर का सोके में आने का। आपने अक्सर देखा होगा भैया, जब कबूतर सोके में आता है तो आप उसके नीचे की हड्डी जो जिस्म की होती है उसके पंख उखाड़ते हैं, क्योंकि ये इसकी गर्मी थोड़ी वगैरह बाहर निकले। तो आप जब उसकी हड्डी को देखते हैं तो उसकी हड्डी का जो मांस होता है वो एकदम ढीला सा हो जाता है और उसमें खुश्कीपन बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण यही होता है, कबूतर अंदर से खुश्क हो गया होता है। भाइयों, आपने ये भी देखा होगा कि बाजियों के समय में कबूतरबाज कबूतरों को देसी घी के बोरे वगैरह देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि कबूतर को अंदर से उड़ उड़ के खुश्क ना हो जाए। तो उसकी खुश्क ना हो जाए, जो कबूतर खुश्क हो जाता है उसकी उड़ान कम हो जाती है और वह अपनी टाइमिंग कम कर देता है, इसलिए वह उनको देसी घी के बोरे देते हैं। तो ये सरसों भी उसी का ही काम करती है। भाइयों, आपने अक्सर देखा होता कि जब हमारी मार्च अप्रैल में पर्व पटाई होती है तब हम कबूतरों को सरसों देते हैं। इसलिए सरसों देते हैं कि उनको पंख निकालने में काफ़ी मदद करती है ये। और साथ में ये भाइयों कबूतरों के वजन भी कम करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। भाइयों, जय हिंद,